ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर झारखंड झरोका का ये बुलेटिन। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या बीते 24 घंटे में पहले की तुलना में बढ़ गई है। वहीं इस वायरस के अलग अलग वेरिएंट भी जिले में मिले हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है अतिरिक्त सावधानी बरतने के, लेकिन लोग सतर्क हैं या नहीं या लापरवाही बरत रहे हैं, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी प्रभात ने। हम हैं साक्षी बाजार में। साक्षी बाजार का दृश्य दिखाने का मकसद मेरा यह है, केवल देखिए जो 38 घंटे का जो लॉकडाउन था, वीकेंड लॉकडाउन था, उसके बाद कल सोमवार था, आज मंगलवार है। आइए आपको हम बाजार का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि बाजार का नज़ारा भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एक जांच के दौरान ये बातें सामने आई है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, और हम कहें तो जो अन्य वायरस है उससे ज़्यादा खतरनाक और इससे ज़्यादा मौतें भी होती है। तो बाजार का नज़ारा दिखाने का मकसद है कि लोग अभी भी नहीं समझे हैं, बिना मास्क के लोग बाजार में पहुंच रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा तादाद पर, और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है, ना ही किसी तरह का सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, ना ही मास्क लगाया। ये दिखाने का मकसद मेरा ये है केवल कि लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजार साक्षी का बाजार है, कैसे लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं बिना मास्क, और यही अंदेशा जताया जा रहा है कि जो तीसरा वेव है बहुत खतरनाक और बहुत जल्द 6 सप्ते के भीतर महाराष्ट्र से होते हुए पूरे राज्य, पूरे देश भर में फैलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग को अभी भी अपनी समझदारी दिखानी चाहिए कि प्रशासन गेट पर चेकिंग कर रहा है, लेकिन प्रशासन हर जगह नहीं मौजूद रह सकता है। लोग को अपनी समझदारी अपने खुद को ही दिखानी चाहिए, ताकि जो तीसरा वेव आने वाला है, जो देखिए बिना मास्क के चल रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। हालांकि प्रशासन बाजारों में घूम के लोगों को आग्रह करता है कि आप मास्क लगाएं, दुकानदारों को कहता है कि मास्क लगाएं। बताने का मकसद मेरा यह था कि लोग अभी भी सतर्क हो जाएं। अगर बाजार आएं, ठीक है, आपकी रोजगार है, आपको जरूरत की सामान लेनी है, आप जरूरत के सामान लेने बाजार में जरूर पहुंचे, लेकिन जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका जरूर पालन करें। अगर नियम नहीं पालन करेंगे तो संक्रमण होगा, क्योंकि संक्रमण का खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ। कोरोना वायरस अभी भी अगर हम कहें तो राज्य में है और पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, जो जांच में सामने आई है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है सबसे ज्यादा जमशेदपुर में है। तो ऐसे में जमशेदपुर के लोगों को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो तीसरा लहर है उससे हम अपने आप को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके, अपने राज्य को बचा सके। अगर आपको अगर नॉर्मल जिंदगी जीना है तो सरकार का जो गाइडलाइन है उसे पालन करना जरूरी होगा। सही जानकारी के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत,